हेलो क्लास, आज का सवाल हमें एक इंटीग्रेशन प्रॉब्लम दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों क्या है, सेम है, बस यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को लेट कर लेंगे, ठीक ना। तो हम लेट करते हैं ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को क्या लेट करते हैं, टी लेट करते हैं, और फिर इसका डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या आएगा, आएगा d बाई डी एक्स ई की पावर 2x प्लस d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 2x और इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक। अब देखो, चूंकि हमें पता है कि अगर देखा जाए e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है डिफरेंस, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं किसका, e की पावर x का, तो क्या मिलेगा, e की पावर x ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 2x लिखा है, ठीक ना। तो अगर देखा जाए तो पहले हम इस पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो e की पावर 2x से क्या आएगा, e की पावर 2x ही आएगा, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता ना, हमने इसको लेट किया है, तो क्या आएगा, e की पावर 2x आएगा। फिर जिसको लेट किया है उसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे d बाय dx 2x का, और प्लस सेम इसके लिए करेंगे, तो देखो e के लिए पूरा क्या x है, तो e की पावर माइनस 2x, फिर d बाय dx क्या आएगा, माइनस का 2x इक्वल टू dt अपॉन dx, ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए 2 कांस्टेंट तो बाहर होगा और x का डिफरेंशिएट क्या आएगा, 1 आएगा, तो क्या बचेगा, 2 e की पावर 2x ये बचेगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखो माइनस बाहर होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर 2 बाहर होगा कि कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, 2 e की पावर माइनस 2x और x का डिफरेंशिएट क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये हमारा बच जाएगा इक्वल टू dt अपॉन dx। अब देखो इसको उधर भेजे और इसको इधर भेजे, तो क्या आएगा, dx इक्वल टू dt, और इसमें 2 कॉमन कर लेते, 2 कॉमन के लिए क्या बचा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये हमारा आ गया। अब dx की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे, और ये जो हमने लेट किया था इसे यहां पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में t आएगा, और इंटू dx की वैल्यू क्या निकली थी, ये निकली थी dt अपॉन में 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। अब देखो ये और ये क्या सेम है, तो कैंसिल आउट, तो बचे क्या, 1 अपॉन 2 फिर t dt ये बचेगा, और 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट इसे बाहर कर देंगे, तो 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन t dt ये बचा, और 1 अपॉन t, चूंकि हमें पता होना चाहिए कि 1 अपॉन x का अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, log x आती है, ठीक ना। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 2 log mod t plus c, ये आ जाएगा हमारा। अब t की वैल्यू हमारी क्या थी, t की वैल्यू का देखा जाए तो हमारी ये वैल्यू थी, और t की वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो पुट करने पर हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन 2 log mod में e की पावर 2x plus e की पावर माइनस 2x मॉड 1 प्लस सी, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।